अगर आप भी रिस्ट वॉचेस यानी कि घड़ियां पहनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की टॉप 10 सबसे महंगी घड़ियों के बारे में। और क्या आप जानते हैं जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है उसका प्राइस कितना है? तो इंडियन रुपीज में वो प्राइस बनता है ये। और ये घड़ी कौन सी है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, और 5 मिनट से कम का वीडियो है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जो घड़ी आती है वो है हैबलेट कंपनी की बिग बैंग वॉच। इस घड़ी में टोटल 1282 हीरे जड़े हुए हैं और 100 कैरेट से अधिक बैगवेट हीरे भी इसमें शामिल हैं। 6 एमरल्ड कट डायमंड्स भी इसमें लगे हुए हैं। इस घड़ी को बियोंसे ने अपने पति जे जेड के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था और इस घड़ी की कीमत है $5 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 9 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 9 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है वेचरन कॉन्स्टेंटन। इस घड़ी के अंदर 57 कॉम्प्लिकेशन के साथ 2826 कंपोनेंट्स लगे हैं और इस घड़ी को डिजाइन और बनाने में 8 साल का टाइम लगा था और इस घड़ी की कीमत है $8 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 8 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 8 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है पैटेक फिलिप रेफर 1518। इस घड़ी को पैटेक फिलिप ने 1941 में बनाया था और यह इस मॉडल की पहली कॉर्नोग्राफ रिस्ट वॉच भी थी। इस घड़ी की कीमत है $11.1 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 7 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है पॉल न्यूमैन रोलेक्स डेटोना। पॉल न्यूमैन जो एक बहुत ही बड़े मूवी स्टार थे हॉलीवुड के, उन्होंने यह घड़ी अपने पति जवान वुडवर्ड को दी थी। फिर बाद में यह घड़ी एक ऑक्शन के अंदर $17.8 मिलियन में बिक गई। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 6 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है जैकब एंड को बिलियनियर वॉच। इस घड़ी में 260 एमरल्ड कट डायमंड्स लगे हैं और इस घड़ी में 18 कैरेट के व्हाइट गोल्ड केस भी शामिल हैं और इस घड़ी की कीमत है $18 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 5 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है पैटेक फिलिप सुपर कॉम्प्लिकेशन। इस घड़ी को 1933 में ग्रेल्स जूनियर के लिए बनाया गया था और इस घड़ी में 24 कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। इस घड़ी को बनाने में 5 साल का टाइम लगा था। भाई मतलब ये पैटेक फिलिप तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली घड़ियां बनाने में माहिर थे यार। और इस घड़ी की कीमत है $24 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 4 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है शोपार्ड 201 कैरेट वॉच। इस घड़ी में टोटल 201 कैरेट के 874 हीरे लगे हुए हैं। इस घड़ी के सेंटर पार्ट में हार्ट की शेप के 3 हीरे लगे हुए हैं जो कि कलर्ड हीरे हैं, जो कि येलो पिंक और ब्लू कलर के हीरे हैं और ये तीनों हीरे इस घड़ी को बहुत ही क्लासी लुक देते हैं और इस घड़ी की कीमत है $25 मिलियन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 3 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है ब्रिगेट नंबर 160। इस घड़ी को अब्राहिम लुई ब्रिगेट ने 1782 में बनाना स्टार्ट किया था और इस घड़ी को बनाने में भाई करीबन 45 साल का टाइम लगा। इस घड़ी को पूरा किया था 1827 में ब्रिगेट के बेटे ने और ये घड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वॉच थी। इस घड़ी में एक थर्मामीटर और कैलेंडर भी शामिल था और इस घड़ी की कीमत है $30 मिलियन। नंबर 2 और नंबर 1 घड़ी के बारे में बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने के साथ हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे आने वाली घड़ी की। तो नंबर 2 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है ग्राफ डायमंड द फैसिनेशन। इस घड़ी के अंदर 152.96 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं और इस घड़ी के सेंटर में नाशपत्ती के आकार के 38.14 कैरेट के हीरे लगे हैं। सेंटर में जो हीरा लगा है नाशपत्ती के आकार का, जो मैंने आपको बताया है, इसे सेपरेट भी किया जा सकता है, यानी कि इसे अलग से निकाल कर अंगूठी में भी पहना जा सकता है और इस घड़ी की कीमत है $40 मिलियन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ी की। तो नंबर 1 पे जो घड़ी आती है उसका नाम है ग्राफ डायमंड हेलुसिएशन। इस घड़ी में 110 कैरेट के अलग अलग रंगों के बहुत ही रेयर हीरे लगे हुए हैं और इस घड़ी में बहुत ही रेयर कलर डायमंड्स जैसे कि फैंसी ग्रीन, फैंसी पिंक, फैंसी येलो और फैंसी ब्लू हीरे लगे हुए हैं। यही अलग अलग आकार के कलर चमकदार हीरे ही इस घड़ी को दुनिया की सबसे महंगी घड़ी बनाते हैं और इस घड़ी की कीमत है $55 मिलियन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको इन 10 में से कौन सी घड़ी सबसे अच्छी लगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।